हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंशूज़ किचन। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सांभर, वो भी एकदम साउथ इंडियन स्टाइल से। ये देखिए, उसके लिए मैंने दाल को भिगो दिया था। ये मैंने 2 कप दाल ली है और इसको मैंने भिगो दिया था 3 घंटे पहले, और ये अच्छे से भीग गई है। और अभी मैंने लिए हैं ये कुछ सब्जियाँ ली हैं, ये घिया ली है, टमाटर लिए हैं और बैंगन लिए हैं 2, और इसमें आप काशीफल भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, और ड्रम स्टिक्स भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मेरे पास यही सब्जियां थी, तो मैं यही डाल रही हूँ। उसके लिए मैंने थोड़ी सी घिया ली है, इसको कट कर लिया है मैंने, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा लग रही थी। बस इतनी घिया बस बहुत रहेगी। अभी मैंने कुकर लिया है और कुकर के अंदर मैंने ये सारी दाल को डाल दिया है। फ्रेंड्स, आप सांभर बनाएंगे तो दाल को भिगो के रखें तो दाल अच्छे से फूल जाएगी और सांभर अच्छा बनेगा। तो ये मैंने दाल को कुकर में डाल दिया है, और जो मैंने ये सब्जियां देखी है इस तरह से छोटी छोटी बारीक काट ली हैं, और अब इनको भी मैंने ये कुकर में डाल दिया है। तो ये सब सब्जियां और दाल हमें साथ में ही पकानी है। ये मैंने टमाटर भी काट के रखे हैं, तो मैंने टमाटर भी इसी में डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सब सब्जियों को, दाल को, टमाटर को, सबको एक साथ कुकर में डाल देना है। और अभी मैंने इसमें ये पानी डाल दिया है। पानी आप इतना डालेंगे कि हमारी सब्जियां और दाल अच्छे से सब भीग जाए। और इसमें ये नमक डाल दिया है मैंने, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। अब इनको हमें मिक्स कर देना है, और अभी इनको हमें बॉइल्ड करने के लिए रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी इतना डालना है, क्योंकि कभी कभी कुकर में हम ज़्यादा पानी डालते हैं तो ऊपर सीटी में से बाहर निकल जाता है, तो आप बाद में भी मिक्स कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये कुकर का ढक्कन लगा दिया है, और इसमें अभी 3-4 सीटी हमें ले लेनी है, जिससे कि अच्छे से दाल हमारी गल जाए। ये देखिए दाल कितने अच्छे से गल गई है, और सारी सब्जियां भी अच्छे से बॉइल्ड हो गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितने अच्छे से दाल और सब्जियां हमारी मिक्स हो गई हैं, अच्छे से गल गया है दाना एकदम, दाल का बहुत ही बढ़िया गल गई है। तो आप इसमें कम से कम 3-4 सीटी तो लें, क्योंकि अगर ज़्यादा सीटी लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम लेंगे तो फिर से आपको कुकर रखना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। और अब इस तरह से रई से इसको चला लेना है, जिससे कि हमारी सब्ज़ी और दाल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, अलग अलग ना रहें। देखिए इसमें आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको कितना पतला सांभर रखना है। तो हम लोग तो पतला सांभर खाते हैं, थोड़ा इतना ही खाते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी। तो चलिए अब छौंक लगाते हैं सांभर में। उसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन गैस पर रखा है, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, और इसको गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये हींग डाल दिया है। मैंने हींग थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि सांभर में उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये राई डाल दी है मैंने इसमें, ये कड़ी पत्ता भी डाल दिया है इसमें मैंने, कड़ी पत्ता भी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सांभर में। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने इसमें, और ये 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची मैं और डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप जब ये मसाले डालेंगे तो गैस को एकदम लो फ्लेम पर ही रखें, और अगर तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप गैस को एक बार के लिए बंद कर दें, नहीं तो मसाला जल जाएगा। ये इसमें मैंने सूखी लाल मिर्ची भी डाल दी है। अगर आपके पास लंबी मिर्ची है सूखी तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये बोरिया मिर्ची थी तो मैंने ये इसमें डाल दी है। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है ये 2 टेबल स्पून के करीब सांभर मसाला। ये देखिए फ्रेंड्स, सांभर मसाला मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी छौंक तो तैयार कर लिया है, और अब मैंने सांभर में गुड़ डाल दिया है। गुड़ डालने के बाद हमने जो छौंक तैयार किया था सांभर में, वो ऐड कर देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सांभर आप देख सकते हैं वीडियो में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। फ्रेंड्स, मेरे घर पर सांभर सबको मेरे हाथ का बहुत ही पसंद आता है, तो आप एक बार ये सांभर इस स्टाइल से ज़रूर बनाकर देखें, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। मैंने मीठा डाला है, आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर खट्टे मीठे का जो टेस्ट होता है सांभर का, वो पसंद है।
लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पर सांभर बिना मीठे का पसंद करते हैं, तो आप जैसा भी खाते हैं आप वैसा बना सकते हैं। खट्टे के लिए आप इसमें नींबू डाल सकते हैं या फिर इमली है, इमली भी डाल सकते हैं। कुछ लोग कोकम का भी यूज़ करते हैं खट्टे के लिए, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं खट्टे के, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा नींबू ही डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड किया है, और इसको ना गैस पर अभी हमें स्लो गैस पर उबालना है। कम से कम 10 मिनट तक इसको उबालना है, जिससे कि हमारा जो सांभर का मसाला हमने छौंक लगाया है उसका टेस्ट अच्छे से सांभर में घुल जाए और हमारा सांभर बहुत ही टेस्टी बन जाए। तो छौंक लगाने के बाद गैस को एकदम बंद नहीं करना है, इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको पकाना है। ये देखिए मैंने अभी नींबू का रस ऐड कर दिया है इसके अंदर, तो हमारा सांभर जो है वो एकदम रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसमें नमक भी कम था तो मैंने नमक भी ऐड कर दिया है इसमें, टेस्ट किया था मैंने इसको। बस इसको हमें अभी पका लेना है और हमारा सांभर एकदम रेडी हो जाएगा विद इन 5 to 10 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? आपको कैसी लगी मेरी सांभर की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।